से भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर कारम डैम मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है और ये जांच के लिए गठन किया गया समिति का, और जल संसाधन विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आशीष कुमार को बनाया गया जांच कमेटी का अध्यक्ष, ये बड़ी खबर इस वक्त की, और जल संसाधन विभाग के अपर सचिव है आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, टीमों का गठन कर दिया गया है, कारम डैम मामले में सरकार लगातार एक्शन मोड में है और इसके लिए टीम का गठित कर दी गई है, जांच के लिए समिति का गठन किया गया है और ये समिति तमाम जांच रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपेगी। आपको बता दें कि आशीष कुमार को बनाया गया जांच कमेटी का अध्यक्ष। सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, किस तरीके से ये जांच कमेटी काम करेगी? देखिए, कारमा डैम मामले में अगर सरकार ने एक्शन लिया है और जांच समिति का गठन किया है, इसके साथ ही जल संसाधन विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं, इसमें विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार को जो है जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ईएनएनसी जल संसाधन दीपक सातपुते, संचालक बांध सुरक्षा अनिल सिंह भी जो है समिति में शामिल है। इस पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल की जाएगी और आखिरकार इतना जो बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्या कारण है, क्या लापरवाही की वजह से जो है यहाँ पर जो पानी का रिसाव डैम में हुआ है, इसको लेकर जो है समिति का गठन किया गया और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जांच का गठन कर लिया गया। अगर हम बात करें इस जांच कमेटी में कितने सदस्य मौजूद है कुलभूषण? जांच कमेटी की अगर बात की जाए तो इसमें 3 से अधिक सदस्य मौजूद हैं और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री को सबमिट करनी पड़ेगी। आशीष कुमार सहित